अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया और इसमें मैंने नमक डाल दिए क्योंकि यहाँ चावल बॉईल होंगे। आज किचन में बनने जा रहे हैं चाइनीज़ राइस और साथ ड्रैगन चिकन विद ग्रेवी। तो यहाँ पे मैं आपको चिकन दिखा रही हूँ, अमेरिकन ब्रांड है और ये बहुत अच्छा ब्रांड है, मुझे बड़ा पसंद आया इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इसमें जो ब्रेस्ट है ना वो उन्होंने इंडिविजुअली फ्रीज करके इसके अंदर रखे हुए होते हैं, पैक किए हुए होते हैं, और अगर आपको इमरजेंसी में कुछ भी बनाना पड़ता है तो आपको डीफ्रोस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता है। आप चिकन पैकेट खोलें और एक आराम से पीस निकल आता है और उसको डीफ्रोस्ट करके ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। तो सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इसके बारे में। और दूसरी बात ये कि इन्होंने चिकन को ऑलरेडी टेंडर किया हुआ होता है, लाइक पाउंड करके टेंडर किया हुआ होता है, तो आपको पाउंड भी नहीं करना पड़ता। यहाँ मैंने चिकन को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिए हैं जिसे आप जूलियन फॉर्म कहते हैं, और इसी तरह से आपको चिकन चाहिए क्योंकि ड्रैगन चिकन में चिकन की यही फॉर्म होती है। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है और चिकन हो गया रेडी, और अब इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में मैंने डाले 2 tablespoons कॉर्नफ्लावर के, और यहाँ पर डाला है मैंने ऑलमोस्ट 1 teaspoon ब्लैक पेपर, और अब ये मैं 3 tablespoons भरकर सोया सॉस के इसके अंदर डालूँगी, और फिर इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड होल एग एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट। देन मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो कम है, तो मैं थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर और ब्लैक पेपर डालूँगी इसके अंदर। इसके बाद आपने मैरिनेट कर इसको 15 मिनट के लिए कम से कम लाजमी रेस्ट दें, बट अगर आपको जल्दी है तो आप मैरिनेशन के फ़ौरन बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ मैं कैबेज को बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में काट रही हूँ, और ये मैं ज़्यादातर तो कटिंग बोर्ड पर ही कट करती हूँ, बट आज मुझे जोर चढ़ा था कि मैंने कटर से काटना है, तो बाकी जो आप पीसेज नहीं थे वहाँ हो रहे मैंने उनको सेपरेट कर लिया था और उसको फिर अच्छे से मैंने डाइस कर लिया था। मानो खबर, और यहाँ ईमान उठ चुकी थी तो बस आयान भी बस उठने ही वाला था। और यहाँ पर मैंने कटर के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया क्योंकि मुझे कैरेट्स काटनी थी, उन्हें भी मैंने जूलियन फॉर्म में ही काटूँगी और लंबी लंबी स्ट्रिप्स कटेंगी, और इसके बाद मैं उसको जो मुझे रिक्वायर्ड है ना साइज़ कैरेट्स का मैं वो कर लूँगी। नाउ इट्स टाइम फॉर बेल पेपर, और इसको मैंने जूलियन फॉर्म में नहीं काटा और इसको मैंने ऐसे ही डाइस कर लिया है। आई डोंट नो तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों काटा, बट खैर मैंने अब काट लिया था तो अब इसी फॉर्म में यूज़ होगा। अब मैं जल्दी से जो है डाइस कर लूँगी अपने स्प्रिंग अनियंस को। इनके दोनों पार्ट्स को आपने सेपरेट रखना है क्योंकि जो वाइट पार्ट है वो पहले यूज़ होते हैं और ग्रीन पार्ट बाद में हम यूज़ करते हैं जब भी हम चाइनीज़ कोई भी चाइनीज़ से रिलेटेड चीज़ बनाते हैं। और यहाँ मैंने 4 अंडे ले लिए हैं और इसमें मैंने डाली थोड़ी चिली सॉस और थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी, अच्छे से इसको मैं बीट कर लूँगी, और फिर सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके गर्म किया है और इसके अंदर मैंने ये बीट किए हुए एग्स डाल दिए हैं। और आपने एकदम से चम्मच नहीं हिलाना है वरना बहुत छोटे छोटे जो हैं वो एग के चंक्स बनेंगे, मुझे थोड़े बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और इसी तरीके से आई थिंक चाइनीज़ में सभी को अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं गार्लिक चॉप कर रही हूँ। यह अयान ईमान कॉन्स्टेंटली मुझे और जशान को बुला रहे थे जिसकी वजह से मैं भूल गई कि मैंने पहले जो है वो चिकन को फ्राई करना है और उसके अंदर मैंने ये जितनी भी कट की हुई है वेजिटेबल्स वो डालनी है। और मैंने ऑयल गर्म किया और इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं और उनको मैं स्टर फ्राई करने लग गई, तो जब मैंने 1 मिनट शायद हुआ होगा या आधा मिनट हुआ होगा तो मुझे याद है कि मैंने तो चिकन पहले फ्राई करना है। तो जैसे ही मैंने ये भी थोड़ा ही मैंने स्टर फ्राई किया होगा लाइक 30 seconds या 40 seconds तो मुझे याद आ गया, तो मैंने फिर वेजिटेबल्स निकाल ली थी। और सेम पॉट में मैंने ऑयल फिर से लिया है और 1 teaspoon मैंने इसमें गार्लिक डाला है
और सेम जूलियन फॉर्म में ही मैंने यहाँ पर चिकन कट किया है अपने चाइनीज़ राइस के लिए भी। यह हाफ के जी से थोड़ा सा कम चिकन होगा जो मैंने यहाँ लिया है और इसको आपने फ्राई करना है। और यहाँ पर क्योंकि मुझे ड्रैगन चिकन भी प्रिपेयर करी थी तो मैंने वो फ्राई होने के लिए साइड पर रख दिया। और इस तरफ मैंने जो मैरिनेट किया हुआ था अपना चिकन उसको मैंने डीप फ्राई होने के लिए रख दिया है। और साथ साथ मैं दूसरे चिकन को भी स्टर फ्राई कर रही हूँ। जब चिकन कुक हो जाएगा आपने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डाल देनी है। और आपने देखा कि वेजिटेबल्स मेरी ऑलमोस्ट अभी कच्ची ही थी जब मैंने इनको निकाल लिया था और अब इसमें पकेंगी चिकन के अंदर ही। और यहाँ मैं सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि मैंने डालनी है फ्राइड राइस के अंदर। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया है सोया सॉस और उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 चिकन क्यूब्स डाले हैं कनौर के मैंने डाले हैं। साथ मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाले हैं विनेगर के और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है ब्लैक पेपर का। और ये सब चीज़ें मैं डालूँगी जब हम चावल डाल देंगे उसके अंदर डालेंगे ये सॉस। और अब ये क्योंकि मेरा जो वेजिटेबल्स वाला मटीरियल है वो तैयार हो गया तो मैंने वो डालकर उसके अंदर राइस डाल दिए और ये मैं अब एग डाल दूंगी और साथ में डालूंगी सॉस इसके ऊपर और फिर मैं डाल दूंगी स्प्रिंग अनियंस। यहाँ पर अगर आपको लगे कि ब्लैक पेपर या नमक आपको कुछ चीज़ कम लगती है तो वो भी आप एडिशनल डालकर फिर दम पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अब ड्रैगन चिकन की प्रिपरेशन कर रही हूँ जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और इस पर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून गार्लिक और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है जिंजर पेस्ट का। इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और फिर मैं डालूँगी टोमेटो प्यूरी अले लाइन की मैं डालूंगी और ये मैं पूरी जो डिब्बी है ये मैं पूरी प्यूरी इसके अंदर डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने डाले है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट और 4 टेबलस्पून है यहाँ पर सोया सॉस के। और साथ साथ मैं इसको फ्राई करती भी जाऊँगी ताकि नीचे नहीं लगे। और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था और अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 कप टोमेटो जो टोमेटो केचप होती है और यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस का और फिर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून हनी का। आप चाहें तो हनी को 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं बट यहाँ क्योंकि आगे मैं शुगर डालूंगी इसलिए मैंने भी सिर्फ 1 टेबलस्पून हनी डाला है। और इसके बाद मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालती भी जाऊँगी। ऑलमोस्ट इस पूरे मिक्सचर में मैं 1 ग्लास पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। साथ में इसके अंदर डालूँगी 1 चिकन क्यूब और चिकन क्यूब डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी शुगर। अच्छा अब ये शुगर डालने से बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी। शुगर और हनी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो टोमेटो प्यूरी होती है ना जो वो बहुत खट्टी होती है। इतनी नहीं मतलब खट्टी होती है बट उसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बीच में शुगर हनी या ब्राउन शुगर कुछ भी इस तरह से आपको डालना होता है। तो आप पर है आप हनी डालना चाहते हैं हनी डालें वाइट शुगर डालना चाहते वो डालें नहीं तो ब्राउन शुगर डालें। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून और मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो इसलिए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है फ्राइड चिकन। ये मैंने चिकन इतना फ्राई किया होता है कि अच्छे से कुक हो चुका हुआ होता है अंदर से भी और बाहर से भी क्रिस्पी होता है। तब आपने इसको चिकन को निकालना है फ्रायर से। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियंस। और उसके बाद आपने अपनी सॉस देख लेनी है आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए या आपने पतली करनी है तो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं पानी और डालकर या केचप और डालकर। तो आपने अपनी एडजस्टमेंट रखनी है। नाउ इसके अंदर मैंने डाले हैं सेसमी सीड्स और फिर मैंने इसको ढाम कर 1-2 मिनट के लिए और कुक होने दूंगी एंड माई ड्रैगन चिकन इज़ रेडी। और यहाँ मुझे याद आया कि मैंने सेसमी ऑयल तो डाला ही नहीं है अपने चाइनीज़ राइस के अंदर तो मैं वो थोड़ा सा डालूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बट थोड़ी क्वांटिटी में इसको डालना होता है फिर ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा टेस्ट। और चाइनीज़ बन रहा हो और बर्तन ही जमा हो ये तो बहुत बड़ा झूठ है। तो साथ साथ मैं ये काम भी कर रही हूँ साथ साथ कुकिंग भी कर रही होती हूँ साथ साथ मैं किचन साफ़ करती जाती हूँ ताकि लास्ट में एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाए। आप लोगों ने ड्रैगन चिकन लाजमी बनाना है इतना टेस्टी बने थे और चाइनीज़ राइस भी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी फुल ऑफ फ्लेवर्स। और ये तो बिल्कुल मुझे रेस्टोरेंट वाला सारा जायका आ रहा था ड्रैगन चिकन में भी और चाइनीज़ राइस में भी। आप लोगों ने ये लाजमी बनाना है ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप
आपका, आपके कैसे बने? और यहाँ मैं बच्चों को खाना खिलाने, क्योंकि अयान की ट्यूशन का टाइम हो रहा था, जिशान ने जल्दी जल्दी से राइस खाए और फिर उनका मैंने टिफ़िन तैयार किया, क्योंकि उनकी आज थी आफ्टरनून तो उन्होंने लेकर जाना था साथ अपने लंच, तो उनका लंच बॉक्स हो गया तैयार। और यहाँ पर मैं आई हूँ अंदर और मैंने आज बेडशीट वगैरह साथ सीधी नहीं थी की, क्योंकि चाइनीज़ बनाना था और फिर जिशान ने जाना होता है रिफाइनरी, तो फिर मैं सबसे पहले कुकिंग देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं चीज़ें आकर सेट करती हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में पहले मैं चीज़ें कमरे की सीधी करती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो यहाँ बस मैं चीज़ें सीधी कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है सारा काम हो गया। धन यहाँ मैं ईमान को रेडी कर रही हूँ और इससे पहले अयान को रेडी किया है और अब ईमान रेडी हो रही है और फिर इन दोनों को मैं खिलाऊंगी खाना और फिर हम जाएंगे अयान को ट्यूशन छोड़ने। और ये देखें जी, यहाँ पर मैं इनको खाना खिलाऊंगी और अपने अयान को देखना वो कितने मज़े से थम्स अप करेगा। अभी मैं इसको कहती नहीं हूँ, इसकी आदत है, इसको जो चीज़ अच्छी लगे तो थम्स अप करता है और जो चीज़ इसको बुरी लगे तो बहुत बुरे कमेंट्स देता है, बहुत बुरे कमेंट्स पास करता है। तो अयान को देख देख के अब ईमान की भी आदत हो गई हुई है कि वो भी हर चीज़ में लाइक्स और अपनी डिसलाइक्स का इजहार लाजमी करती है। और इसको दुपट्टा बहुत पसंद है तो वो हर वक्त कोई ना कोई मेरा स्कार्फ या दुपट्टा लेकर फिरती है और नमाज़ पढ़ती रहती है। तो यहाँ मैं इनको जल्दी जल्दी खाना खिलाया और अब मैं जा रही हूँ अयान को ट्यूशन छोड़ने। इसको हम वहाँ छोड़ेंगे और फिर ईमान ने अपनी पोनी साथ ही उतार दी थी कि मैं ऐसे ही जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करेंगे और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।